तेज बात्या याचर मुकाबला सब प्रकार प्रस्तुति वर्तमान करा जाउछि। ओड्राफ कथा कहतु, एनडीआरएफ टीम कथा कहतु, सब टीम को सजग रखा जाउछि एवं सब जिला को वार्निंग मध्य जारी करा जाइछि। राज्य सरकार मध्य सब प्रकार प्रस्तुति करुछंती। वर्तमान नाम सहित जोड़ी होइछंती एनडीआरएफ डीजी एसएन प्रधान। सुत प्रधान, स्वागत करुछि आपनको कलिंग टीवी को। कोन कहबे एनडीआरएफ रो प्रस्तुति किभली रहिछि? देखु ओडिशा रे जेहेतु ओडिशा रे लैंडफॉल हवार पूरा संभावना अच्छी, से अनुजाई ओडिशा सरकार 30 टीम एक्स्ट्रा मागिले। 22 टीम आगुरु दिया जाइतिला, आउरी 30 एनडीआरएफ टीम डिमांड कराला काली राति रे। से अनुसार 30 टीम आमे मुतयन करूचु। मूवमेंट ऑलरेडी हेगलाणी, एयरलिफ्ट हेकरी जामनगर रु, पुणे रु, गुवाहाटी रु टीम पहुंची गलानी भुवनेश्वर एयरपोर्ट। आउ गतिक्रमे धीरे धीरे से माने तांकर जो गंतव्य स्थल जोटी ओडिशा सरकार डिसाइड करिवो सेठी संध्या सुधा बा राती सुधा पहुंची जिवे। अन्य अन्य टीम भी बाय रोड आछंती, तेणु 30 टीम एक्स्ट्रा हबारु मोट 22 बाउंड टीम ओडिशा ओडिशा रे डिप्लॉयड हे जिवे। आउ भाबुचे जे जो जो गुडाक हाई इंपैक्ट डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर हो, मयूरभंज हो, जगत सिंहपुर, केन्द्रापड़ा हो, भद्रक हो, जो भी ओडिशा सरकार अधिका चाहिए ता से टीम आमे मुतयन करू, नियोजित करू। आउ ता परे साइक्लोन लैंडफॉल अबा आगुरु जो जो प्रिवेंटिव एक्शन अवेयरनेस काम आउ सरंजाम सब रेडी करबा काम से गुडा सब प्रिवेंटिव काम आमे करू। साइक्लोन समय रे जहाँ भी जीवन रक्षा काम करिया पड़ो सेसा करिबो, और साइक्लोन रो परवर्ती समय रे रेस्टोरेशन काम रे आमे लागि जीवु। आ जो समय जाए नॉर्मलसी न फेरी जाय छी, आ सरकार आ राज्य सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार आ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फील कर न करंतु जे नॉर्मल हे गलाणी एनडीआरएफ टीम जाय परिबो से पजंत आमे काम करू। अज्ञा सिद्ध प्रधान, जमी आप कहते 22 टीम सजग अच्छा, 30 टीम आहरी मगा जाइए से पहुँचे, क्योंठी केते टीम डिप्लॉय करा जिबो सेने किछि मास्टर प्लान प्रस्तुत करा गला कि नहीं? प्लान तो आसी जाइए 22 टीम रे जत्ते बेले 22 टीम थिले सेते बेले अधिकांश 7 टीम बालेश्वर पई निर्धारित होइतिला, 4 टीम भद्रक पई निर्धारित होइतिला। वर्तमान साइक्लोन लैंडफॉल प्राय मोटामोटी निश्चित हो गला, से अनुसार लैंडफॉल अनुसार आहरी डेप्लॉयमेंट हम, तेणु बालेश्वर अधिका टीम जीव, मयूरभंज अधिका टीम जीव, जगत सिंहपुर अधिका टीम जीव, ये तीन टी जिला उपर फोकस अच्छी। ता छड़ा भद्रक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर फोकस अच्छी, आ पारादीप इत्यादि भी टीम रहिबो, भुवनेश्वर भी किछटा रिजर्व टीम रहिबो, पूरी खोर्धा को भी टीम दि जाउछ, तेणु ए भले डिस्ट्रीब्यूशन होउछ। सिद्ध प्रधान, केबे सुधा ए टीम से सब स्थान रे पहुंची जिबे? कारण अनेक स्थान रे आजिठु मध्य वर्षा पवन आरंभ हो गेलानी, तो केबे सुधा टीम सब निर्दिष्ट स्थान रे पहुंची जिबे? देखो तो अधिकांश टीम आज संध्या आज राती सुधा पहुंची जिबो, किछि रा जदि बळिबो तले राती लेट नाइट सुधा आमे पहुंची देबो, कने काली जाय अपेक्षा करिया को चाहनु, किंतु निहाती क्रमे जदि किछटा टीम बळिगले सेमाने काली सकाळ सुधा निश्चित भाबरे पहुंची जिबे। आउ विंड पिकअप करिबा आगुरु काली विंड पिकअप करिबो, काली वर्षा रो पिकअप करिबार संभावना आईएमडी कहिछि, तेणु ता आगुरु समय रहिकरी आमर टीम सब निज निज जगह धरनि। अज्ञा सिद्ध प्रधान, ये जते बेले बात्या होइथाय अनेक क्षति होइथाय, गछ कथा कहंतु अनेक जिंस नष्ट होइथाय, सेति पई अनेक इक्विपमेंट्स मध्ये दरकार, सरंजाम सब आपनको प्रकार किभलि प्रस्तुत अछि, कोन सब मॉडर्न इक्विपमेंट्स प्रस्तुत रखा जाइछि? आमे एक्स्ट्रा इक्विपमेंट धरिकी एथर आसछु, आउ अन्यान्य बटालियन रु भी किछटा क्लोज करिकी इक्विपमेंट एपट को डाइवर्ट करा जाइछ ओडिसा को पश्चिम बंग को, तेणु एक्स्ट्रा इक्विपमेंट धरिकी आसछु। किछटा नुआ इक्विपमेंट भी अच्छी, टेलीस्कोपिक कटर्स अच्छी, प्लाज्मा कटर अच्छी, गैस कटर अच्छी, एगुडा सब नेकरी आसछु। ता छड़ा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जहाँ मु आगुरु भी कहिछि बदे आपनको चैनल रे, जे आमर कम्युनिकेशन होछ स्टैंड अलोन, डिस्ट्रिक्ट रो पूरा कम्युनिकेशन बंद हेगला परे मध्य बा मोबाइल कम्युनिकेशन पूरा कोलैप्स हो गले मध्य आमर कम्युनिकेशन निजर ऑटोनोमस कम्युनिकेशन आम सेटअप कर दे पारु। एभली कि मु मोर दिल्ली रे हेडक्वार्टर रे बसी कंट्रोल रूम रु मु निज एनडीआरएफ कर्मी सहित मु कथाबार्ता भी हो पारि, वीडियो कॉल भी करि पारि, व्हाट्सएप मध्य करि पारि, तेणु एभली आम स्वतंत्र कम्युनिकेशन धरिकी चलुछ, सेटा को आम एम्प्लॉय करू, जोठे दरकार हबो सेटा को यूज करू,
ଆଉ ବାକି ସରଞ୍ଜାମ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ। ୱାଟର ଲଗିଂ ହେଲେ ବୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ, ବୋଟ୍ସ ଯୋଉ FRP ବୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତେମାଲ କରାଯିବ, କିଏ ବୁଡ଼ିବାର କେସ୍ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଡାଇଭର୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇକରି ଆସିଛୁ, କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱି ଆର୍ ରେଡି। ସେତ ପ୍ରଧାନ, ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତି, ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ସମୟର ସ୍ଥିତି, ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି। ଏଇ ତିନୋଟି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ହେଉଛି ବିଫୋର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦି ଡିଜାଷ୍ଟର, ବିଫୋର୍ ଡିଜାଷ୍ଟର, ଡ୍ୟୁରିଂ ଡିଜାଷ୍ଟର, ଆଫ୍ଟର ଡିଜାଷ୍ଟର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଆମର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିଛି। କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି, ଗୋଟେ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ହେଇକରି କାମ କରୁ, କୌଣସି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁନି। ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଭାବୁ ଠିକ୍ କରିବା ଦରକାର ସେଇଟା କରୁ ଆମେ। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆସେଟ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁ, ଆଟ୍ ଦ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ହେଇକରି କାମ କରୁ, ଆମର ନିଜ କାମ ଭଳିଆ ଆମେ ନିଜ କାମଟାକୁ ଦେଖୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଧୀର ପ୍ରଧାନ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। NDRF DG SN ପ୍ରଧାନ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ନେଇ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି NDRF ଟିମ୍, 22ଟି ଟିମ୍ ପୁରାପୁରି ସଜାଗ ରହିଛି, ଆହୁରି ଅତ୍ୟଧିକ 30ଟି ଟିମ୍ ମଗାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେହିଭଳି ହିସାବରେ ଟିମ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯିବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତି, ବାତ୍ୟା ସମୟର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି, ଏସବୁ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ NDRF ପୂରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।